क्या आप ब्लॉग नहीं बना पाते हो? तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में वो सारा कुछ बताऊंगा जो एक ब्लॉगर के लिए चाहिए और ब्लॉग वीडियो बनने लग जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं ना, तो फिर उनको बहुत डर लगता है, बहुत सारी समस्या मतलब उनको फेस करना पड़ता है और फिर वो ट्राई तो करते हैं, ये नहीं कि हार मानते, ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी ट्राई करने के बाद भी हार मान जाते हैं। तो आज की वीडियो देखने की वजह से आप हार नहीं मानोगे, आप अपनी ब्लॉग बनाने लग जाओगे। अभी हम अपने रूम में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पैंट लटका हुआ है, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा, घर मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर उधर सारा कुछ कर दें। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए शीशे की तरफ से, यहाँ पे छत पे आपको चिड़िया दिख रही होंगी, सब देखो चिड़िया है ना, बहुत सारी चिड़िया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, देखिए आप यही चिड़िया इधर से आ गए, सब चिड़िया भाग गई। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने चिड़ियों को क्यों दिखाया। एक तो मैंने छुप के शीशे के मतलब विंडो के अंदर से, मतलब शीशे के अंदर से हमने देखे चिड़ियों को, दिखा खुद देखा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अभी भी नहीं समझ, सिंपल तरीके से समझाता हूँ जैसे कि हर वीडियो में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो मिरर विंडो लगा हुआ है तो इधर से चिड़िया हमको नहीं देख रही है लेकिन चिड़िया को हम देख रहे हैं। तो चिड़िया आराम से वो खा रही थी, दाने हमने भीगा था, वो दाना वहाँ पे भीगा नहीं था, दाने छीटा था, मतलब चिड़ियों के लिए ही छीटा था कि चिड़िया आए खाए। तो इधर से जब मैं शीशे के अंदर से उन लोगों को देख रहा था तो चिड़िया वहीं पर खा रही थी आराम से, लेकिन वहीं हम सामने आ गए और लोग मतलब वही चीज़ है सामने बस आ गए तो चिड़िया हमको देख कर भाग गई। अब यहाँ पे आप लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे। देखो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग होते हैं ना जो ब्लॉग बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं भाई, किसी को देख के शर्माने लगते हैं, डर लगने लगता है उनको कि भैया हम ब्लॉग बना ही नहीं पाते हैं, कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, कैमरे को कैसे फेस करें। जैसे कि अभी चिड़ियों को मैंने फॉर एग्जाम्पल एकदम आसान वाला तरीका से बताया कि चिड़िया के जैसे सामने हमने आया तो चिड़िया मुझे देख के भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि चिड़िया का लगा मैं उससे कुछ नुकसान कर सकता हूँ, उसको कुछ हानि पहुँचा सकता हूँ, चिड़ियों लोगों को ये लगा होगा, इसी वजह से वो भाग गए। और वहीं जब मैं शीशे के अंदर से देख रहा था, चिड़िया हमको नहीं देख रही थी लेकिन शीशे के अंदर से हम चिड़ियों को देख रहा था, तो चिड़ियों को कुछ नहीं डर लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उनको लग रहा था भाई कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा, आराम से खाना है, आराम से अपना मौज करना है। तो चिड़ियों के ये जो आइडिया है ना, मतलब मैं एक ट्रिक है, टेक्निक है भाई जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको ब्लॉग बनाने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। देखो अभी चिड़िया जो है वो पेड़ पे वहाँ पे बांस के पेड़ है वहाँ पे बैठे हुए हैं सर, आप नहीं भागेंगे क्योंकि हम डेली उन लोगों को दाना देते हैं, खाते हैं सब, अच्छा लगता है। तो चिड़ियों को मैं इसलिए आप लोगों को दिखाया ताकि आप ब्लॉग बनाते समय समझ सके। अगर किसी से आपको डर लगता है, पब्लिक में जाते हैं लोग देखते हैं आपको तो आपको शर्म लगती है, तो आप ये मान लो ना भाई, जैसे चिड़िया भी हम शीशे के सामने से देख रहे थे उस चिड़ियों को, मगर चिड़ियों को क्या पता था कि हम उन्हें देख रहे हैं, कोई देख रहा है हमें, लेकिन वहीं सामने से जब चिड़ियों को देखा हमने और चिड़िया हमें देखी तो भाई चिड़िया उड़ के भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उनको शर्म आने लगा या डर लगने लगा, ऐसा मान लीजिए कि हाँ हुआ, हमारे ख्याल से डर ही लगा होगा कि कहीं हमको कुछ पत्थर वगैरह न मार दे, इसीलिए चिड़िया उड़ के वहाँ से भाग गई। वही चीज़ हम लोग करते हैं ब्लॉग बनाते समय, जानते हो डरते हैं। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमको जब देखते हैं ना, अगर बगल में कोई है, हमारे पीछे कोई है, नहीं देख रहा है हमको, तब तक हमको डर नहीं लगेगा। अगर सामने अगल बगल से गुजर गया और इधर उधर फिर चला गया, फिर हम उसको लेकर अपने माइंड में एक होता है ना कि भाई वो अभी बंदा है उधर, देख लेगा तो क्या होगा, ये कर देगा तो क्या होगा, तो भैया इसको लेकर हम ब्लॉग बना ही नहीं पाते हैं। तो भाई आपको जब भी ब्लॉग बनाओ ना, तो आपको ये नहीं देखना है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमारी ब्लॉग को कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, भैया इससे क्या मतलब है हमको, हमको तो ब्लॉग बनाना है ना, अपनी वीडियो बनाना, लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या सोचने समझने की बात है, वीडियो बनाना है ना तो बनाओ ना, लोगों को छोड़ो ना भाई, लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना काम ना कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, इसमें क्या डरना है। अब चिड़िया जैसे देख के हमको भाग गई, भैया यही चीज़ आप लोग करते हैं और इसी वजह से आप लोग की ब्लॉग पब्लिक में चाहे कहीं पे भी बना नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं, देखो भाई ब्लॉग बनाने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि गिम्बल चाहिए, ये चाहिए, भैया कुछ नहीं चाहिए,
देखो मैं दिखाता हूँ मेरा जो ब्लॉग जो शूट हो रहा है किस तरीके से शूट हो रहा है, प्रैक्टिकली देख लो भाई। हाथ में फोन लिया हूँ बिना माइक के, फोन अभी आईफोन है ये भी आप लोग देख लो, आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ, बैक कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, वाइड एंगल करके शूट करता हूँ और 1080p 60fps रेजुलेशन रख के शूट करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं गिम्बल ले लो, ए ट्राइपोड ले लो और वो चीज़, भैया कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस अपना फ़ोन वा लीजिए ना, और माइक है तो माइक लीजिए, नहीं है तो छोड़ो ना भाई, आपके पास आपका फ़ोन में ही काफ़ी है आपका ब्लॉग शूट करने। ब्लॉग में देखो भाई, ब्लॉग आपका चलेगा, आपके ब्लॉग में क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, आपके ब्लॉग में दम होना चाहिए, बस इतना, और कुछ ज़रूरी नहीं है। माइक ज़रूरी नहीं है, ठीक है, माइक ज़रूरी नहीं है, आपके फ़ोन की माइक बहुत है, बहुत काफ़ी है, उसी से आप बहुत अच्छा ब्लॉग बना सकते हो। आपका फ़ोन का जो भी आपके पास कैमरा है ना, उससे मस्त वाला बना सकते हो। देखो हमारे पास प्रिंस कहाँ है, वो घंटा नहीं लगा है वो, तो भैया ये प्रिंस है, मैं बात कर रहा था, तो कोई बात नहीं, यही है भाई ब्लॉग बनाने का। और भी बहुत सारा आइडिया हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कहूँ, मेरा ये चैनल जो है ना बर्बाद हो गया भाई, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि हम ब्लॉग वाला टिप्स लाएँ या फिर छोड़ दें या फिर चैनल को बेच दें, बेचना भी पड़ सकता है, क्योंकि भाई चैनल चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, हमको पता ही नहीं है काहे नहीं चल रहा है हमारा चैनल। मन कर रहा है ना अपना ही चैनल वह छोड़ दें, हम आप लोगों को वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा टिप्स देते हैं, उससे लोग सीखते भी हैं, अपनी ब्लॉग बनाते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं भैया आपके बताए हुए तरीका बहुत मस्त है, हम सीख लिए, बना भी रहे हैं और चैनल चल भी रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन हमारा चैनल वाजो है पता नहीं क्यों डेड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, बेच दे रहे हैं, बेचना पड़ेगा चैनल, अब बेचना पड़ेगा, अब खर्चा नहीं चल पा रहा इस चैनल से, बहुत डाउन हो गया, हर चीज़ डाउन हो गया। कमेंट करके बताना बेचूँ कि नहीं बेचूँ। चलो ठीक है, ब्लॉग बनाना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है, ये टेक्निक है बहुत ही सिंपल टेक्निक है, हर एक वीडियो में अलग अलग टेक्निक बताता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप भी ब्लॉग बनाने लगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, पेरेंट्स कमेंट करना, चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर देख लेना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।